आज 1 अप्रैल 2020 है और इस वक्त कोरोना वायरस के पेशेंट्स 1935 हैं। आज VBA मॉर्निंग और इवनिंग के लिए जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है, व्हाट इज बैंक और उसके फंक्शंस क्या है। बैंक की एक ये सिंपल सी मैंने डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु डील्स पार्टिकुलरली इन मनी फॉर दिस पर्पज ही एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग द लोन्स। और जिन लोगों से ये मानते वसूल करता है उनको प्रॉफिट लो रेट से देते हैं और जिनको ये कर्जे जारी करता है उनको हाई रेट से प्रॉफिट देता है और कुछ पोर्शन अपने लिए नफा का रखता है। तो ये एक डेफिनेशन है सिंपल सी, बाकी और डेफिनेशन आपको मैं भी साथ साथ सेंड करता रहूँगा व्हाट्सएप पे। उसके बाद जो फंक्शंस हैं वो कमर्शियल बैंक के या बैंक के, वो दो बड़े फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। अगर आप प्राइमरी फंक्शंस को देखें तो मैंने आपके सामने ये लिखे हैं, प्राइमरी फंक्शंस में जो है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स और एडवांसिंग ऑफ लोन्स है। तो सेकेंडरी फंक्शंस जो है, ये सेकेंडरी फंक्शंस में आपने जो है तीन सेकेंडरी फंक्शंस देखने हैं। एक एजेंसी फंक्शन है, दूसरा जो है उसमें क्या कहते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शन है, और तीसरा जो है वो मिसेलेनियस फंक्शन है, ठीक है। और अगर वापस आए तो प्राइमरी फंक्शंस में जो एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स है, लोगों से मानते हैं बैंक कैसे वसूल करता है, जाहिर है लोगों के पैसों से कारोबार करता है, जैसे कि डेफिनेशंस में मैंने आपको अभी बताया कि बैंक एक ऐसा मालियाती इदारा है जो खास तौर पे किस पे कारोबार करता है, मनी का कारोबार करता है। एक तरफ लोगों से इमानते वसूल करता है और उनको कम शरह से मुनाफा देता है, और यही पैसा उठा के जरूरतमंद लोगों को कर्जे भी जारी करता है और इस तरह अपना मुनाफा भी रखता है और जिन डिपॉजिटर से पैसा लिया है, आइडियल पैसा, फालतू पैसा, उनको नफा भी देता है। तो प्राइमरी फंक्शन जो पैसे इकट्ठे करने का तरीका ये है कि करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट और बेसिक बैंक अकाउंट खोल के ये पैसा इकट्ठा करता है। लेट्स से 1 करोड़ रुपये उसने लोगों का इकट्ठा कर लिया। अब इसी 1 करोड़ रुपये को एडवांसिंग लोन अपने दूसरे पर्पस के लिए जारी करेगा, यानी लोगों को खाते से ज्यादा रकम की सहूलत देगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जिनका ऑलरेडी बैंक में अकाउंट मौजूद है, या कैश क्रेडिट की फैसिलिटी देगा, या फिक्स लोन्स देगा, या कार्रवाई लोगों के जो बिल्स हैं हुंडी जिन्हें आप बोलते हैं उनको डिस्काउंट करने की सहूलत देगा। ये थे प्राइमरी फंक्शंस। अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस जो है उनमें पहली कैटेगरी है एजेंसी फंक्शंस। तो एजेंसी फंक्शंस मैंने आपके लिए 10 लिखे हैं कि कस्टमर्स के चेक भी जो है वो कलेक्ट करता है, कस्टमर्स की इनकम भी रिसीव करता है डिविडेंड की शक्ल में, कस्टमर्स के एक्सपेंसेस भी पे करता है मुख्तलिफ यूटिलिटी बिल्स की मद में, ठीक है, कस्टमर्स के लिए सिक्योरिटीज भी खरीदता है, कस्टमर्स के लिए ट्रस्टी और एजेंट की सहूलत भी कमर्शियल बैंक देता है, इसी तरह कस्टमर्स के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे भी काम करता है, और इसी तरह कस्टमर्स के लिए जो है एज ए टैक्स कंसल्टेंट के तौर पे भी काम करता है कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे, और कस्टमर्स की जो वसीयत होती है, विल होती है, उस पे भी काम करता है। इस तरह दूसरा जो सेकेंडरी फंक्शन है बी कैटेगरी जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तो जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में मैंने आपके लिए 9 फंक्शंस लिखे हैं। कस्टमर्स को लॉकर्स की फैसिलिटी भी देता है, कस्टमर्स के लिए ट्रेवलर चेक की सहूलत भी देता है, फॉरेन एक्सचेंज की यानी डॉलर दिरहम की सहूलत भी, खरीदने बेचने की सहूलत भी देता है, फिर इस तरह कस्टमर्स के लिए मनी भी ट्रांसफर करता है, और कस्टमर्स को फाइनेंशियल ट्रेड की मालूमात भी देता है, इसी तरह दीगर तजारती मालूमात भी देता है, कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड भी इशू करता है, डेबिट कार्ड भी इशू करता है, इसी तरह कमर्शियल बैंक जो है इस वक्त मुनारवा और लीजिंग कंपनी के तौर पे भी काम कर रहा है, और कमर्शियल बैंक जो है पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट यानी PTCs भी खरीदता है। फिर उसके बाद तीसरा जो मिसलेनियस फंक्शन है जो कि सेकेंडरी फंक्शन का तीसरा पार्ट है, यानी ये 6 उसमें चीज़ें मैंने लिखी हैं, कस्टमर्स की जो है यूटिलिटी बिल्स भी पे करता है, ज़कात की कलेक्शन भी करता है, हाई सर्विसेज भी कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, आम लोगों को कर्ज हंसना भी देता है स्टूडेंट्स को, फिर इस तरह फाइनेंशियल स्टैंडिंग की और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की सहूलत देता है जिसमें ATM कार्ड्स, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी की सहूलत भी प्रोवाइड करता है। इसकी तमाम डिटेल आपको पिक्चर्स की शक्ल में भी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडे।